बहुत बकवास भले करते हैं आधे घंटे तक, इन्हें पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अब देखो, अब पीएन जंक्शन, यार पीएन जंक्शन क्या है? डायोड सेमीकंडक्टर है जो एन टाइप और पी टाइप से मिलके बना है। चलो जोड़ देते हैं यार, एक पी टाइप का लेके आते हैं, एक एन टाइप का लेके आते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे मतलब ऐसे तो ज्वाइंट नहीं किया जा सकता जैसे हम लोग परमल खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि तहरी बनाते हैं जैसे घर में खिचड़ी बनाते हैं, दाल डाले चावल डाले हो गया, ऐसा नहीं। जोड़ने के तरीके होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं। परमल नहीं है कि दोनों मिला दिए, मूंगफली और चना सब एक ही में मिला दिए, ऐसे नहीं। तो चलो मिला दिए, यहाँ पर मैं मान लिया कि मिला ही दिए। तो पीएन जंक्शन अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा? अब यार ये पूरा का पूरा एक नया सेमीकंडक्टर हमारे पास मिल के आ गया। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होगा यार? हीट करने से क्या होता है? हीट करने से चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में बढ़ते हैं यार, चाहे वो पी टाइप का हो चाहे वो एन टाइप का हो। चार्ज कैरियर होल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ेंगे, जब होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस ऐसा थोड़ी है कि ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस ये मतलब रिवर्स रेजिस्टेंस केवल घटेगा, ऐसा तो भाई इसके साथ ना इंसाफी क्यों होगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई, नेचर का लॉ ओनली फॉरवर्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और नॉट अफेक्टेड, ये भी तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, ये अफेक्टेड ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक। पूरा करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि चार्ज कैरियर्स चेंज हो गए, करंट की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है।